क्या बोला आपने सवाल पूछा, जोर से बोल। बहुत बहुत बड़ी बात है। मेरे ख्याल से मैं जिस तरह से एक मध्यम वर्ग का लड़का हूँ, स्ट्रगल करके एकदम ऊपर आया हूँ, और एक वीडियो कैसेट का जमाने में वीडियो कैसेट जो घर घर में जाके देता था, और आज राष्ट्र पुरस्कार 3 बार मुझे मिला है, और मेरी पिक्चर क्रिटिकली भी अक्लेम और कमर्शियल सक्सेस भी मिला है मुझे। मेरे ख्याल से मेरे लिए आज अमित जी ने जो सम्मान मुझे दिया है बहुत बड़ी बात है। अच्छा सर, अमित जी ने कहा कि साइलेंट प्लीज, साइलेंट प्लीज, लिटिल साइलेंट। आपने सवाल किया कि आपने इच्छा जताई कि आप उन्हें फिल्मों में लें, तो उनका जवाब तो आपने सुना, उसका क्या रिप्लाई दिया? नहीं, करेक्ट है, क्योंकि अमित जी मेरी हमेशा जब भी मुलाकात होती है कोई फ्री फिल्म के फंक्शन में, हमेशा मैं कम से कम 4-5 साल से हम लोग काम करना चाहते थे एक दूसरे के साथ, लेकिन हमेशा मैं उनको बोलता था सर मैं कुछ ऐसी स्क्रिप्ट लेकर आता, लेकिन कभी हुआ नहीं। ये बात सही है अमित जी ने जो कही है, लेकिन अब की बार मेरे पास एक स्क्रिप्ट आई है जो 2-3 महीने से मैं लिख रहा हूँ, मैं जल्दी उसकी घोषणा करूँगा। मैं अमित जी को विदिन 2-3 वीक्स सुनाऊँगा उनको, और उसके बाद अगर उनको अच्छा लगे तो डेफिनेटली मेरे ख्याल से वो बहुत ही अच्छी फिल्म होगी। मतलब आपको उम्मीद थी अमिताभ और जो मधु भंडारकर का जो साथ है, जो वो भी चाहते हैं और दर्शक भी देखने को मिलेगा? हाँ हाँ, 100% मिलेगा, और मेरे ख्याल से बचपन से अमित जी की पिक्चर देख देख के बड़े हुए हैं, और मेरे लिए तो ये अभी भी मुझे यकीन नहीं हो रहा कि अमित जी यहाँ पे आए, और उन्होंने इतना अच्छा मेरे लिए कहा कि फिल्मों को लेकर, मेरी हर पिक्चर को लेकर, चांदनी बार से ट्रैफिक सिग्नल तक के लिए उन्होंने इतनी चीज़ें कही, मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बात है, और आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विद हिम। आप ट्रैफिक सिग्नल में उम्मीद कर रहे थे, ऑलवेज बीन मायर इन सम सॉर्ट ऑफ अ कंट्रोवर्सी और द अदर, हाउ डू यू सी दैट? हु the national awards have always been mired in some sort of controversy. It is basically controversy for everything. It is not only the national award, the domestic awards also here. I mean, it's the local award, the popular award also been in controversy all the time. So then sometime it is, I think the jury was this time was very really fair, and you have comprises of the right people over there. So basically lot of time it happens ki controversy does happen, so it occurs everywhere, it's nothing new about it. प्रेशर इज ह्यूज बिकॉज पीपल एक्सपेक्टेशन इज ह्यूज, पीपल थिंक के डेफिनेटली दे आर सिटिंग विद ड्रैगर इन देयर हैंड टू सी व्हाट मधुर भंडारकर नेक्स्ट मूवी इज, एंड फैशन इज रियली पुटिंग इन टेंशन नाउ बिकॉज द काइंड ऑफ सिनेमा इट इज, द काइंड ऑफ ऑपुलेंस इट इज, एंड इट्स अ बिग बजट फिल्म कंपेयर टू ऑल द मूवीज फ्रॉम चांदनी बार टू ट्रैफिक सिग्नल, हैज बीन अ 4 करोड़ फिल्म, बट फैशन विल बी अ 18-20 करोड़ फिल्म, इज अ बिग look, opulence, the kind of sets, the kind of grandeur is there, it's completely different. अच्छा मधुर, इस बार उम्मीद थी आपको कि अवार्ड मिलेगा नेशनल अवार्ड? देखिए, मेरी उम्मीद मैं कभी भी नहीं सोचा था, मैं चांदनी बार से भी मैं कभी उम्मीद नहीं सोचा था, ना पिछली से सोचा था, ये जूरी का डिसीजन होता है, जूरी देखती है पिक्चर, डिसाइड करती है, और उनको डेफिनेटली लगा होगा तब जाके अवार्ड पर एक हैट्रिक करना मेरे ख्याल से बड़ी बात है, और मुझे मैं थैंक्स करता हूँ मेरे फैंस को, मेरी फैमिली को जो हमेशा मेरे साथ रहे हैं, क्रिटिक्स को, और मेरे ऑडियंस और मीडिया फ्रेंड्स को जो हमेशा मेरे साथ रहे हैं। बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन जो इज सेइंग इज गोल, ऑलवेज हाउ डू यू, आई हैव अ मदर, माय मदर बिहाइंड, आई हैव अ वाइफ बिहाइंड, एंड माय स्वीट डॉटर, आई थिंक शी इज लकी फॉर मी, गॉड लक जी। मधुर, थ्री मूवीज एंड थ्री अवार्ड्स, ओके, थ्री नेशनल अवार्ड्स। देखिए, जैसे अमित जी ने भी कहा, मैं भी आपको कहूँगा कि मधुर ने अपने आप का एक सिनेमा क्रिएट किया है, अपने आप की एक नीश सिनेमा है जो मेरा पब्लिक ऑडियंस देखती है इस तरह का सिनेमा, तो आई थिंक इतनी बड़ी इंडस्ट्री में अपने आप का सिनेमा 6 साल में क्रिएट करना मेरे ख्याल से बड़ी बात है, कि मधुर भंडारकर का सिनेमा है वो देखते हैं लोग, कि ठीक है इसमें क्या मधुर जो है सत्य दिखाता है, रियल दिखाता है, और लोगों को पसंद आता है। तो आप मानते हैं, जब मैंने पूछा था कि रियलिस्टिक सिनेमा को पहले आर्ट का दर्जा दिया, पता है आपने थोड़ा कमर्शियल वैल्यू एडिट, तो बहुत अच्छी बात है ना, अगर पिक्चर एंटरटेन होती है, पिक्चर में लोग आर्टिस्ट आर्ट जैसे कुछ नहीं देखते, लोग हमेशा कहते हैं कि मधुर जी तुम्हारी पिक्चर ना आर्ट होती ना कमर्शियल होती है, मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा जो आप लोग ने नाम दिया मुझे मीडिया में, कि इस तरह का मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा है जो बहुत ही फास्ट पेस पिक्चर होती है, तो ये अच्छी बात है, और मेरे ख्याल से इंडस्ट्री में बड़ा रिवैम्प चल रहा है, 5 साल में इंडस्ट्री में अलग अलग प्रकार की पिक्चरें बन रही है, मैं मेरे अपने आप को रेट नहीं दूंगा, कई और फिल्म मेकर भी है जो अलग सिनेमा बना रहे हैं। मधुर जी, आप हमेशा अलग अलग तरह की पिक्चरें बनाते हैं,
नहीं, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आप रुकिए, मैं उनको नरेशन दीजिए दीजिए, बाद में बोलूंगा मैं। अच्छा मधु जी, दूसरे जैसे अवार्ड्स होते हैं, बहुत से अवार्ड्स जैसे अपने डोमेस्टिक का, उसमें उस चीज में ज्यादा मतलब आपका व्हाटएवर बोल पाला या व्हाटएवर नहीं रहता है, क्या मानते हो या किस तरह से ये? देखिए मैं ऐसा कुछ नहीं है, अवार्ड जो फंक्शन होता है वो जूरी पे डिपेंड होता है, मैं जूरी की रिस्पेक्ट करता हूँ, वो चाहे यहाँ पे लोकल पॉपुलर अवार्ड्स हो या नेशनल अवार्ड्स हो, जो भी है, मुझे ऐसा कभी भी नहीं हुआ। मुझे पेज 3 के टाइम पे बहुत ही पॉपुलर अवार्ड में कोई अवार्ड नहीं मिला था, लेकिन मैं गया और उनके लिए तालियां बजाए वहाँ पे स्टेज पे जाकर। अच्छा ऐसे लगता है कि अवार्ड पाने की फिर भी जैसे अवार्ड मिलते जाता है तो देखिए अवार्ड एक ऐसा होता है चीज जो आप अपनी मेहनत करते हो, अपने काम करते हो और उसको सराहा जाता है, उसे पसंद किया जाता है, तो आपकी आपको अच्छा लगता है कि आपके काम की तारीफ हुई है, लोग उसे पसंद करते हैं। पर उसका नशा चढ़ता है, मतलब कभी ऐसा है कि भाई मुझे कोई नशा नहीं चढ़ा, मुझे फिल्म मेकिंग का नशा है। थैंक यू।